हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। बच्चों के साथ कार्टून देखते हुए शिशि और सॉन्ग को दिखाया जाता है। इतने में उनके साथ बात करने के लिए ग्रैंडपा आते हैं अपने बर्थडे के बारे में, क्योंकि हमेशा से वो डिनर करते आए हैं तो इसी बारे में बात करने वाले होते हैं। तो शिशि रोकते हुए कहने लगती है कल तो मुझे काम है और बहुत ज्यादा काम है। तो ग्रैंडपा उसे तो कुछ नहीं कहते और कहने लगते हैं कि अच्छे से काम करना। और सॉन्ग की तरफ आने लगता है तो सॉन्ग कहने लगते हैं कि कल तो मुझे मीटिंग है और उस मीटिंग में भी मेरा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ग्रैंडपा को दोनों की तरफ से इनकार सुनने को तो मिल गया था, तो ग्रैंडपा भी बच्चों की तरफ आ जाते हैं। बच्चे भी उतने तेज आगे से कहने लगते हैं कि हमने गॉड मदर के साथ जाकर डिनर करना है। अब ये बातें सुनने के बाद ग्रैंडपा थोड़ी गुस्से हो जाते हैं, वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सॉन्ग को कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना अब ग्रैंडपा कितना नाराज हो गए हैं। तो वह कहने लगते हैं कि अभी नाराज हुए हैं ना, देखना बाद में कितना खुश होते। हमें शिंतियन दिखाया जाता है जो कंपनी के डायरेक्टर के साथ बैठकर प्लान बना रहा होता है जो सॉन्ग के अगेंस्ट होता है। और घर पर रात में ग्रैंडपा दिखाया जाता है जो घर को देख रहे होते हैं कि आज घर में कोई भी नहीं है। यही कहते हुए जा रहे होते हैं तो एक एरो वाली लाइट ऑन होती है जिसके एरो के हिसाब से ग्रैंडपा उसी तरफ जा रहे होते हैं। आगे जाते जाते उन्हें डेकोरेशंस वगैरह नजर आती है, वो उन्हीं को देख रहे होते हैं। इतने में सब लाइट्स ऑन हो जाती हैं और दोनों बच्चे ग्रैंडपा को बर्थडे विश करने लगते हैं। ग्रैंडपा उनसे पूछ ही रहे होते हैं कि तुम लोग यहाँ पर कैसे, तो पीछे से बाकी सब भी आ जाते हैं और सभी ग्रैंडपा को विश करते हुए आ रहे होते हैं। उनके हाथ में रेड एनवेलप भी होता है जो वो ग्रैंडपा को देते हैं और इतने में पीछे से बच्चे भी ग्रैंडपा के लिए केक लेकर आ जाते हैं। ग्रैंडपा तो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और भी सभी लोग साथ में बैठकर बर्थडे डिनर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें शिंतन दिखाया जाता है जो सॉन्ग के घर पर आता है और यहीं से हमें सीन कट करके शिशि दिखाया जाता है जो अपना काम वगैरह करी होते। इतने में सॉन्ग की उसे कॉल आती है। अब इन दोनों की कॉल पे बात चली रही होती है, इतने में डोर पर नॉक होता है तो वो डोर ओपन करने के लिए जाती है। जैसे ही डोर ओपन करती है तो आगे से सॉन्ग उसे कॉल पर बात करते हुए यही उसके पास ही आ गया था। शिशि उसे कॉल पर कहने लगते है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ डिनर पर नहीं जा पाऊंगी। तो वह कहने लगते है कि क्यों आपने किसी और के साथ जाना है। तो वह कहने लगती है कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड आ गया है। इसी के बाद सॉन्ग खुश होकर उसे गले लगा लेता है। दोनों खाना खाते हुए वेडिंग ड्रेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। सॉन्ग कह रहा होता है कि तुम्हें जो पसंद आए बस तुमने ले लेना है। और शिशि इसी में बात करती है कि दोनों ट्विन्स है तो हमें दोनों को सेम ड्रेसिंग करवानी चाहिए। अब इसी बात के बाद सॉन्ग भी सोच लेता है कि अब वो शिशि को सब बता देगा। यही सोच कर शिशि से कहने लगता है कि मैंने तुमसे बात करनी। शिशि कहती है कि हाँ बोलो, और वो तो खाना नहीं छोड़ी होती। सॉन्ग उसका खाना रखवा कर कहने लगता है कि जो मैं बात तुमसे करना चाह रहा हूँ उस बात को करने में मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। बस शिशि कहने लगती है कि क्या बात है बोलो। अब बात कहने से पहले सॉन्ग उसको गले लगा लेता और फिर कहने लगता है कि तुमने कभी सोचा कि चैन चैन और श्वा श्वा की बर्थडे एक ही दिन होती है। अभी इतना ही कहना होता है तो सॉन्ग को कॉल आ जाती है। अब कॉल के बाद सॉन्ग को वहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। उस मीटिंग में शिंतन अपनी सारी बात करने के बाद उसको अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देता है। उस लेटर को देखते साथ ही सॉन्ग को तो उस पर पहले गुस्सा होता है क्योंकि वो सारे कस्टमर्स अपनी तरफ ले गया था। इसी वजह से वो उसे कहता है कि हाँ निकल जाओ अभी यहाँ से जाओ। पर उसके जाने से पहले डायरेक्टर कहने लगता है कि काफी शेयर होल्डर्स की बातें वगैरह तुम करते हो और भी बातें करते हो। तो उसकी बातों से पता लग जाता है कि अब शेयर होल्डर्स में शिंतन भी आ चुका है। तो शिंतन शेयर होल्डर बनने के साथ साथ कहने लगता है कि अब यहाँ पर मीटिंग दोबारा से होगी कि यहाँ का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, सॉन्ग हो बनेगा या यहाँ कोई और बनेगा। इस बात पर तो साथ बैठे हर्जुन को तो गुस्सा आ जाता है। कहने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो कहता है कि क्यों, अब वोटिंग करवाना क्या गलत बात है। और ये कहकर सभी लोग वहाँ से उठकर चले जाते हैं। हर्जुन उनके जाने के बाद सॉन्ग से पूछे लगता है कि आप क्या करोगे। तो वो कहने लगता है कि बस तुमने ये बात ग्रैंडपा को नहीं बतानी। इतने में सॉन्ग को घर से कॉल आती है जहाँ से पता लगता है कि ग्रैंडपा की तबीयत काफी खराब हो गई है, इसी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में लेकर आया। तो सॉन्ग भी ये बात सुनने के बाद फौरन हॉस्पिटल में पहुँच जाता है। जैसे डॉक्टर बाहर आते हैं तो उनसे पूछे होते हैं कि क्या हुआ। तो वो बताते हैं कि पेशेंट की तबीयत इतनी ठीक नहीं है तो हमें अभी ऑपरेशन नहीं करना। जैसे इन्हें होश आता है तो हम तब इनका ऑपरेशन करेंगे, अब ये नहीं पता कि इन्हें होश कब आएगा। यह सुनकर तो शिशि भी परेशान से हो जाती है और सॉन्ग उसे रिलैक्स करने लगता है। तो फिर सॉन्ग को भी लाया कि कॉल आ जाते और शिशि को भी शिंतन की तरफ से मैसेज आ जाता है कि मैंने तुमसे बात करनी है, वो भी ग्रैंडपा के बारे में कि उन्हें इस तरह की कंडीशन में मैंने ही पहुंचाया है। जब शिंतन सॉन्ग के घर पर गया था तो वो असल में ग्रैंडपा से बात करने के लिए गया था और उन्हें वो वाले पेजेस भी दिखाता है जिस पर लिखा होता है कि सॉन्ग ने शादी शिशि से अपने मकसद के लिए की है। और ग्रैंडपा को भी थोड़ी बातें वगैरह कर देता है क्योंकि ग्रैंडपा नहीं चाहते थे कि ये बात किसी और को पता लगे और इसी वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। और जैसे शिशि शिंतन से बात करने के लिए आती है तो वो पहले तो शिंतन के मुंह पर थप्पड़ लगाती है और कहने लगती है कि तुम ग्रैंडपा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। शिंतन तो उसकी बात पर हंसने लगता है और जब दोबारा से उसको हंसते हुए देखकर शिशि मारने लगती है तो इस बार शिंतन उसे रोक लेता है और कहने लगता है कि तुम किस ग्रैंडपा का साथ दे रही हो, जो लोग सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहे हैं और तुम्हें पता है कि ये दोनों बच्चे ट्विन्स हैं और सॉन्ग ने तुमसे शादी इसलिए किया ताकि वो श्वा श्वा की कस्टडी ले पाए। पर इन सारी बातों पर
सिशी जरा भी यकीन नहीं करती। शिंते कहने लगता है कि तुम उस पर यकीन करती हो पर मुझ पर यकीन नहीं करती। तो वो कहने लगती है कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकते, मुझे पता है उनका। पर शिंतन उसे चीख चीख कर बताने लगता है और लास्ट में उसको कस्टडी के पेपर्स भी दिखा देता और कहने लगता है कि ये सच में रियल है, अगर नहीं यकीन तो जाकर सोंगा उसे पूछ लो। अब सिशी भी चुप करके वहाँ से कस्टडी के पेपर को पकड़ते हुए आ रही होती है। सोंगा जो लॉयर के साथ बैठा था वो उसके आगे पेपर रख के पूछने लगती है कि क्या ये सच है, जिस पर सोंगा तो बिल्कुल ही चुप हो जाता है। सिशी जब उसे दोबारा पूछ दिया तो सोंगा कहने लगता है कि मेरी बात सुनो, पर सिशी उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वहाँ से बाहर चली जाती है उसका पीछा करते हुए। सोंगा भी वहाँ पर आ जाता है पर सिशी उसे कहने लगती है कि मैंने तुमसे बात नहीं करनी। सोंगा उससे कहने लगता है कि पर मैंने तुमसे बात करनी है, मैं इसी बात के बारे में तुम्हें बताना चाहता था, पर जब भी मैं तुम्हें बताने के लिए सोचता तो मेरा मुंह बंद हो जाता था। पर मैं यकीन करो मैंने अब श्वासा की कस्टडी नहीं लेनी थी जब मैंने तुम्हें उसके साथ देखा, और वैसे भी मुझे तुमसे प्यार हो गया था तो मैं ऐसा तुम्हारे साथ कैसे कर सकता हूँ। जिसे सुनते सिशी कहने लगती है कि तुमने मुझसे बात या शादी प्यार की वजह से नहीं की बल्कि श्वासा की वजह से की है, अगर मुझे पता होता ना मैं तुमसे शादी कभी ना करती, तुम झूठे हो और मुझे अब तुम्हारी कोई भी बात पर यकीन नहीं है चाहे जो मर्जी कह लो। ये क्या क्या कहने लगती है कि अब मुझे अकेला छोड़ दो। तो उसकी बात सुनकर सोंग हाओ भी जाकर बैठ जाता है और उसके पास हाओजुन आता है। हाओजुन आकर सोंग हाओ को शिंतन के बारे में बता रहा होता पर सोंग हाओ तो उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा होता। हाओजुन उसे पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ, तो सोंग हाओ उसे कहने लगता है कि सिशी को सब पता लग गया और उसने मुझे कहा है कि मैंने तुमसे डिवोर्स लेनी है, तो मैं क्या करूं तुम मुझे बताओ। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।